तो पापी प्ले टाइम चैप्टर 3 के लिए एक और VHS निकल के आ चुकी है, जो कि कई हद तक सेम है फ्रॉम द अर्ली VHS टेप जो कि थी हगी वगी की, जहाँ पर हमें दिखाया गया था कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये दोनों टेप जो अब तक हमने देखी है वो दोनों ही VHS रिस्ट्रिक्टेड हैं, यानी कि ये दोनों टेप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए है। लेकिन इस बार जो हमें टेप देखने को मिली है वो एक्चुअली कई डिटेल से पर्दा उठाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, जहाँ पर आज हम अगेन बात करने वाले हैं आने वाले पापी प्ले टाइम चैप्टर 3 के लिए हिंट, यानी कि इस बार हम बात करने वाले हैं द रिसेंट VHS टेप विच इज़ नोन एज रिस्ट्रिक्शन रिलोकेशंस ऑफ किसी मिसी। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा ही टेप एक बार पहले भी आया था, जहाँ पर हमें दिखाया गया था डिसअपीयरेंस ऑफ हगी वगी, जिस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जो कि आपको देखने को मिल जाएगी आई बटन पे। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, और अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आप फिर से वही वीडियो जाके देखना, ताकि जो बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मे बी उस चीज़ को अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझने में आपको हेल्प मिलेगी जब आप पहले वाली वीडियो देखोगे। तो ऑलराइट देन, सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट हैव अ लुक। Big thanks to our channel members, it's in his fans, Deathstroke, Greek God, Lethal, Kratos, the Predator, और हमारे Diamond member Rihan। अगर आप चाहते हो हमें सपोर्ट करना तो बहुत ही ईजिली कर सकते हो चैनल पे दिए गए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, जहाँ पर आपको मिलता है हर वीडियो का अर्ली एक्सेस और भी कई सारे बेनिफिट्स, और आपकी रिकमेंडेशन भी यहाँ पर कवर होगी। सो जाने से पहले एक बार ज्वाइन बटन चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले, जो कि आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब बटन के बगल में साइड में। ऑलराइट देन, जब ये वीडियो रिलीज़ हुई थी तब मैंने लाइव किया था, और जहाँ पर मैंने बताया था आपको कुछ ऐसे थ्योरीज़ जो कि ऑन स्पॉट मेरे माइंड में आए थे, और वहीं पर आपने भी मुझे कई सारे थ्योरीज बताए थे लाइव चैट में। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डीपली। सो सबसे पहले आइए नज़र मारिए एक बार और इस वीडियो में। VHS शुरू करते ही हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, सबसे बड़ी चीज़ जहाँ लिखा हुआ है बिगर बॉडी रिलोकेशन गाइड, जो कि हमें मालूम चलता है कि एक्चुअली ये कोई गाइड है जहाँ पर हर बिगर बॉडीज़ को रिलोकेट कैसे करना है वो सब दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि ऊपर लिखा हुआ है टेप कंटेंस अनएक्सपेक्टेड फुटेज, और वहीं पर लिखा है टेम्पर्ड विद बाय थर्ड पार्टी, यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इस VHS टेप में थर्ड पार्टी के द्वारा छेड़छाड़ करी है, जो कि हमें एंड में मालूम चलेगा। डू नॉट कंटिन्यू व्यूइंग दिस टेप, उसके नीचे लिखा हुआ है कुछ टेक्स्ट है, मे बी ये रशियन में हो सकते हैं या फिर ये कोई और लैंग्वेज में हो सकते हैं। फिलहाल के लिए आइए कंटिन्यू करते हैं। प्ले टाइम कंपनी एम्प्लॉय ट्रेनिंग 6, यानी कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये एक तरह का कोर्स है या फिर एक तरह की गाइड है। ट्रेनिंग नंबर 6, बिगर बॉडी रिलोकेशन गाइड। स्टेप 1, रिट्रीव जाइंट्स फ्रॉम स्टोरेज बी। अब जिस तरह से हमें स्टोरेज बी देखने को मिला है तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी ये एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, जहाँ पर एक स्टोरेज बी एक रूम है जहाँ पर कई सारे टॉयज़ के मॉडल्स रखे हुए हैं। आई डोंट नो कि ये रियल है कि नहीं है, लेकिन आप देखोगे मम्मी लॉन्ग लेग्स, देन फिर पीजे पगा पिलर, सभी टॉयज़ हैं। बाकी के जो कैट बी है, कैंडी कैट है, बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, और हमें स्टार्टिंग में और बीच में देखने को मिलती है किसी मिसी। अब आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हगी वगी नहीं है, मे बी बहुत सारे टॉयज़ को ऑलरेडी रिलोकेट कर दिया है। अब जो VHS टेप निकल के आई थी हगी वगी की, जहाँ पे हमें दिखाया था कि 3 साल पहले आई थिंक वो घटना घटी थी जहाँ पर हगी वगी स्टोरेज बी से भाग गया था, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। स्टेप 2, सेफली सिक्योर द जॉइंट। यहाँ पे आपको दिखता है एक बुकलेट टाइप का, जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो किसी मिसी है उसे हम 4 पार्ट्स में कैसे बाइंड कर सकते हैं और शिफ्ट कर सकते हैं। वहीं पे लिखा हुआ है साइड में, इन द इवेंट ऑफ रेस्ट्रेंट फेलियर ऑब्जर्व बिगर बॉडी कंटिजेंसी प्लान्स, सी प्ले टाइम कंपनी पॉलिसीज ऑन बिगर बॉडी एक्सेप्टेबल यूज ऑफ फोर्स इन इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी में फोर्स भी लगाना पड़ सकता है, मतलब कि ज़बरदस्ती लाइक बेहोश करके या फिर मे बी कोई और चीज़। स्टेप 3, लोड जॉइंट ऑन टू द ट्रेन। अब ये ट्रेन वही है जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी पापी प्ले टाइम चैप्टर 2 के एंड में और प्रोजेक्ट प्ले टाइम में। वहीं पर स्टेप 4 निकल के आता है जो कि है कंसल्ट द बिगर बॉडीज हैंडबुक फॉर कंटिजेंसी प्लान्स। लेकिन अगेन
जैसा कि उन्होंने कहा था कि थर्ड पार्टी ने छेड़छाड़ करी है, जिसके वजह से जो उन एम्प्लॉयज को, जो उन साइंटिस्ट को मिल रहे थे कमांड, वो अब चेंज हो चुके हैं, जो कि है लूजन द स्ट्रैप्स बाइंडिंग द जॉइंट, यानी कि एकदम उसका उल्टा। यहाँ पर 10:42 सुबह का समय है और तारीख है 8/8/1995। स्टेप 5 निकल के आता है, इन्फॉर्म द कंडक्टर ऑफ द इंटेंडेड रूट। वही ट्रेन का सीन जहाँ पर हमें पेपर देखने को मिलता है, जहाँ पर वो पासवर्ड है जो कि हमें मिला था चैप्टर 2 में। और यहीं पर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि मे बी आप लोग मिस कर दोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ ग्रेफिटी बनी है दीवार पे और कुछ लिखा हुआ है जो कि आपको दिख रहा होगा, बात करेंगे थोड़ी देर में। स्टेप 6, कीप वॉच ऑफ जॉइंट ड्यूरिंग ट्रांजिस्ट। लेकिन वहीं पर थर्ड पार्टी ने मैसेज बदल दिया है, जो कि है रिलीज द स्ट्रैप बाइंडिंग द जॉइंट, यानी जो भी थर्ड पार्टी है वो बार बार यही बोल रहा है कि उस जॉइंट को फ्री कर दो। 10:55 वही सुबह का वक्त, और यहाँ पर स्टेप 7 निकल के आता है, जो कि है डिलीवर जॉइंट टू न्यू लोकेशन। लेकिन अगेन वही थर्ड पार्टी का छेड़छाड़ और मैसेज शो होता है रिलीज द स्ट्रैप्स। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से जा चुकी है, जैसे कि ड्राइवर जो भी है उसने अपना इंजन छोड़ दिया है और मे बी वो सब इसके पास आ रहे हैं या फिर कुछ भी हो। उसके बाद एक लास्ट फुटेज हमें देखने को मिलती है, जो कि है 11:40 पर, और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि फाइनली जो किसी मिसी है, जो जॉइंट है, वो अब फ्री हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जगह पर एम्प्लॉयज मरे पड़े हैं, यहाँ पर ब्लड दिखता है हर जगह पर, जो कि ये चीज़ शो करती है कि जो किसी मिसी है मे बी उसने इन सभी को मार दिया। और उसी के आगे हमें दिखता है फुटेज मिसिंग। अब यहाँ पर हमें जानने के लिए बहुत चीज़ें मिली है, सबसे पहला कि थर्ड पार्टी कौन है। अब हमें पता है सिर्फ एक ही ऐसा टॉय है या फिर एक ऐसा बीस्ट है या फिर एक ऐसी जॉइंट है जो कि बहुत होशियार है और लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। यहाँ पर निकल के आता है एक्सपेरिमेंट 1006, यानी कि 1006 द प्रोटोटाइप, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है उसे इन टॉयज को, मे बी इन टॉयज से अपना काम करवा के या फिर अपना काम निकलवा के। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 1006 ही क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वो एक्सपेरिमेंट बहुत होशियार है, हद से ज़्यादा होशियार है, कि उसने सिर्फ एक कुछ पार्टिकल से ही एक लेज़र बीम बनाई थी। और अभी जो हाल ही में जो निकल के आई थी फुटेज हगी वगी की डिसअपीयरेंस की, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि स्टोरेज बी में बहुत मुश्किल है वहाँ से भागना किसी भी टॉयज के लिए, लेकिन हगी वगी वहाँ से निकल पाया। क्यों निकल पाया, इस पर भी हमारा दिमाग बस एक ही चीज़, एक ही बात कहता है, जो कि है एक्सपेरिमेंट 1006 ने उसे मैनिपुलेट किया होगा, आई मीन उसे कंट्रोल्ड किया होगा, माइंड कंट्रोल किया होगा, क्योंकि उसके पास ये काबिलियत है कि वो ऐसा कर सकता है। इस सीरीज में, इस कहानी में बेशक नाम है पापी पर, लेकिन एक्चुअली जो माइंड कंट्रोल कर सकता है वो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट 1006। यहाँ पर हमें एक लोडिंग स्क्रीन में एक फोटो देखने को मिलती है, जहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट 1006 है वो कंट्रोल कर रहा है मामी लॉन्गलेग्स को एज अ पपेट, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ शो करती है कि मे बी मैनिपुलेट और माइंड कंट्रोल सिर्फ एक ही जॉइंट कर सकता है या फिर एक ही एक्सपेरिमेंट कर सकता है, जो कि है एक्सपेरिमेंट 1006, यानी कि द प्रोटोटाइप। यहाँ पर भी थर्ड पार्टी ने टेप के साथ छेड़छाड़ करी है, जो मैसेज रियल में मिलने चाहिए थे एम्प्लॉयज को या फिर जो भी वहाँ पर वर्कर्स को, वो नहीं मिले। एंड टाइम में उन्हें कुछ और मिला, जिसके वजह से मे बी वो सब कंट्रोल्ड हो चुके थे, उनका जो माइंड है वो कंट्रोल कर रहा था प्रोटोटाइप, जिसके वजह से उन्होंने किसी मिसी को अनबाइंड किया और उसे फ्री कर दिया। लास्ट सीन में देख के लगता है कि मे बी फिर हमारे किसी मिसी ने बाकी के जो भी एम्प्लॉयज थे वहाँ पर, जो भी वर्कर्स थे, उन सभी को मार दिया, बल्कि हम ये जानते हैं कि चैप्टर 2 में उसने हमारी हेल्प करी थी। तो जैसा कि हमें शो हुआ था कि चैप्टर 2 जो किसी मिसी है वो एक्चुअली एक इनोसेंट टॉय है, जो कि हमें चाहती है और हमें फ्री करना चाहती है, और उसने फ्री भी किया था, यानी कि वो बाकी मॉन्स्टर्स की तरह क्रूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से जो किसी मिसी है उसके माउथ में, उसके बॉडी के आसपास बहुत सारा खून बिखरा पड़ा है, और वहीं पर ही उसके आसपास बहुत सारे वर्कर्स भी मारे गए हैं, जो कि ये चीज़ दावा करती है कि मे बी अगर ये कत्लेआम इसी जॉइंट टॉय ने मचाया है, किया है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि मे बी ये भी माइंड कंट्रोल्ड होगी, और यहीं से जो किसी मिसी है वो अब फ्री होगी और मे बी बाकी लोगों को नहीं मिली होगी, या फिर वो उस समय से छुप के रह रही होगी। वो तो हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ, क्योंकि जो आगे की जो फुटेज है वो मिसिंग है, और आई डोंट थिंक सो कि जो ये टेप है ये इतना ही होगा। क्या पता कि हमें आने वाले टाइम में या फिर गेम के अंदर, यानी कि थर्ड चैप्टर में, हमें कहीं ना कहीं इसके आगे का जो सीन है, आगे का जो फुटेज है, वो देखने को मिल जाए किसी न किसी वेचेस टेप में।
पॉपी प्ले टाइम के दो चैप्टर आ चुके हैं जहां पर हमें नहीं बताया गया है कि असल में एक्सपेरिमेंट 1006 का मोटिव क्या है, वो क्या चाहता है। बस हमें कई हद तक हमारी जो थ्योरीज हैं वही हमारे साथ रहती हैं, जो कि मैं ऑलरेडी कई टाइम से कई समय से आपको दे रहा हूँ, चैप्टर वन से चैप्टर टू में, फिर चैप्टर थ्री के लिए, और फिर बाकी के जो भी चीज़ें निकल के आई हैं उन सब में मैंने जिक्र हमेशा किया है 1006 का। और उसके बारे में मैंने बताया है कि उसका जो एम है, उसका जो मोटिव है, वो बहुत ख़तरनाक है। या तो वो इस पूरी प्ले टाइम फैक्ट्री को बंद करना चाहता है, या फिर वो बस अपना बदला ले रहा है और वो यहाँ से भागना चाहता है और यहाँ से भाग कर कहीं ओपन वर्ल्ड में निकलना चाहता है। लेकिन जो पापी है, मे बी वो हमारी हेल्प कर सकती है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन अभी हमें उसका भी नहीं पता है कि वो सच कितना बोल रही है, उसने जो भी हमसे कहा है वो सब सच है या फिर झूठ है, या फिर वो हमें झांसा दे रही है। क्योंकि चैप्टर वन में ही हमें ये दिखाया गया था कि पॉपी ने जो भी किया है वो बहुत ख़तरनाक किया है, जिसकी वजह से एक बड़ी सी वॉल में एक बड़ी सी पॉपी फ्लावर का ड्राइंग बना था, जहाँ पे चारों तरफ लिखा था स्टॉप, अंदर मत जाओ। हमें वार्निंग दी जा रही थी कि उस रूम के अंदर मत जाना। और जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको मिलती है एक बॉक्स में बंद, एक केस में बंद पॉपी। तो हम उसको भी एज अ सिंपल टॉय या फिर एज अ सिंपल डॉल नहीं मान के चल सकते। माइंड कंट्रोल की जो पावर है वो कई हद तक एक्सपेरिमेंट 1006 में भी है, लेकिन जिक्र हुआ है पार्ट टू में भी और भी ऐसे कई सारे पार्ट्स में कि ऐसे और भी टॉयज़ हैं जिनका जो ब्रेन है, जो उनका दिमाग है, वो बहुत तेज चलता है, जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट 1006। अब वो कौन है, हगी वगी नहीं है, ये तो हमें पता है, और ना वो किसी में सी है, ना वो मम्मी लॉन्ग लेग्स है। तो यहाँ पर निकल के आती है बात पॉपी प्ले टाइम की। हमें ये भी दिखाया गया था यहाँ पर, जब किसी मिसी को उस ट्रेन में चढ़ाया गया था तो वहाँ पे लिखा हुआ था प्ले केयर, यानी कि वो ट्रेन जा रही थी प्ले केयर की तरफ। स्टोरेज बी से निकल के ट्रेन जा रही थी प्ले केयर की ओर, जहाँ पर मे बी कई सारे सारे ही टॉयज को रखा जाता हो। अब वहाँ पर उन्हें क्यों लेके जाते होंगे वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि रखने वाला जो सिस्टम है वो था स्टोरेज बी, यानी जहाँ पर सारे टॉयज को रखा जाता है, यानी कि स्टोरेज बी। लेकिन अब वहाँ से उन्हें लेके जाते हैं, रिलोकेट करते हैं किसी अलग लोकेशन पे। अब वहाँ पर ऐसा क्या करते हैं वो तो हमें मालूम चलेगा 100% आने वाले चैप्टर थ्री में, क्योंकि पॉपी जो है उसने खुद कहा है कि हमें इन सब चीज़ों को रोकना होगा और उसके लिए हमें सबसे पहले छानबीन करनी होगी प्ले केयर में। लेकिन वहाँ पर आपको पता है वहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते क्योंकि बीच में हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, और जो भी बातें वो हमें डॉल बता रही होती है वो वहीं पर ही रुक जाती है, और जो उसका कनेक्शन है वो हमसे टूट जाता है। वहीं पर आप एक चीज़ से नोटिस करोगे कि यहाँ पर बार बार नाम निकल के आ रहा है स्टोरेज बी का। तो असल में हमें पता है कि यहाँ पर जो भी हमें दिख रहा है, जहाँ पर स्टोरेज बी है और वहाँ पर बहुत सारे बिगर बॉडी टॉयज रखे हुए हैं। सो ये बात तो क्लियर है कि गेम में हमें मे बी प्ले केयर के आसपास हमें ये रूम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जब बार बार हर बार स्टोरेज बी का जिक्र हुआ है, पहला यहाँ पर, दूसरा है जब हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक नोट में, एक नोट मिला था हमें जहाँ पर जिक्र था पैटी हॉल का, वो एम्प्लॉय जिसे कि कंपनी ने पेंट मशीन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उसे टॉय डिजाइनर से डिमोटेड करके स्टोरेज बी में भेज दिया था। अब ये वही स्टोरेज बी है जहाँ पर पैटी हॉल को भेजा गया था, यानी कि जहाँ पर हम ऑलरेडी कई सारे बिगर बॉडीज एनिमीज को देख पा रहे हैं, टॉयज को देख पा रहे हैं, वहीं पर पैटी हॉल को भी भेज दिया था। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा क्या उसे एज अ ह्यूमन भेजा था या फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से उसे एक टॉयज में ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसे स्टोरेज बी में भेजा गया था, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं है सिवाय टॉयज के। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ वर्कर्स को स्टोरेज बी में भेजा गया है ताकि वो वहाँ से किसी मिसी को वहाँ से निकाल के रिलोकेट कर सके, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उस एम्प्लॉयज को इन सब टॉयज ने मार दिया था जस्ट लाइक रोबोस्टॉल। जी हाँ दोस्तों, याद होगा आपको मैंने जहाँ पर एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर रोबोस्टॉल को बॉक्सीबू ने मार दिया था, और रोबोस्टॉल भी एक ऐसी जगह पर गया होता है जहाँ पर अंधेरा होता है, लुक्स लाइक अ स्टोर रूम और अ स्टोरेज बी। तो अगर हम रोबोस्टॉल को मान के चले कि उसकी मौत उसी स्टोरेज बी में हुई थी बाय द बॉक्सीबू, तो मे बी ये हो सकता है जिस टॉय डिजाइनर को डिमोटेड करके स्टोरेज बी में भेज दिया था, मे बी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और यहीं पर ये बात निकल के आती है कि मे बी यही रूम चैप्टर थ्री का एक मेन पार्ट होने वाला है। वहीं पर जब हमें ट्रेन दिखाया जाता है उस टनल में, तो वहां पर कुछ टेस्ट लिखे होते हैं और वो है द आवर ऑफ द जॉय इज इन हैंड। अब इस टेक्स्ट का मतलब तो अच्छे से हमें नहीं पता है क्योंकि ये किस बारे में है या फिर किस चीज़ को रेफरेंस दे रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हुई है हैंड की, तो हमें पता है हैंड सिर्फ हमने फिलहाल के लिए एक्सपेरिमेंट 1006 का ही देखा है। द आवर ऑफ द जॉय
इज इन हैंड। मे बी हो सकता है इसका मतलब है कि जो हैंड है, आई मीन जो एक्सपेरिमेंट 1006 है, वो अपना बदला ले रहा है, और मे बी क्या पता कि वो सभी ट्रॉयज को फ्री कर रहा हो या फिर जो भी कर रहा हो, जिस चीज़ से लोग खुश हैं, आई मीन बाकी के टॉयज खुश हैं मे बी। सो ये उस चीज़ को रिफर करती है, द आवर ऑफ द जॉय इज इन हैंड। हमें पता है कि वो जो हैंड है वो बाकी टॉयज की एक तरफ से हेल्प ही कर रहा है, क्योंकि उसने माइंड कंट्रोल करके इस वेचेस टेप में किसी किसी को फ्री किया, और हगी वगी के वीडियो में मे बी उसने उसे फ्री किया जिससे कि वो बाहर निकल चुका था हगी वगी। और मे बी ये ऐसा हो सकता है द आवर ऑफ द जॉय इज इन हैंड, ये वो लोग लिख रहे हैं जो कि असल में इस कंपनी के मेन डायरेक्टर हैं, जो कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं। द आवर ऑफ द जॉय इज इन हैंड इसका मतलब ये है कि अब वो जान चुके हैं कि इस टॉय फैक्ट्री को विदाउट एनी पे या फिर विदाउट एनी एम्प्लॉय इस कंपनी को अच्छे से चला जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था प्रोजेक्ट प्ले टाइम की स्टार्टिंग में जो हमें वेचेस देखने को मिलती है, वहाँ पर जिक्र था एक डॉक्टर का जो कि बोलता है कि जब ये फैक्ट्री लॉस में जा रही थी तब उसके पास एक आइडिया था कि हम एम्प्लॉयज़ की जगह पर टॉयज़ को काम देते हैं, क्योंकि टॉयज़ जो हैं वो बदले में कुछ मांगेंगे नहीं लाइक मनी, और जो फैक्ट्री है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करती रहेगी। दैट्स वाई इन टॉयज़ को बनाया गया था, एम्प्लॉयज़ पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें टॉयज़ में ट्रांसफ़र किया गया था। उसके बाद हर टॉयज़ को अपना अपना काम दिया था, जो कि हम सब पता है, यानी कि अब जो फैक्ट्री है वो सेम काम कर रही है विदाउट एम्प्लॉयज़, जहाँ पर उन्हें टॉयज़ को मनी भी देना नहीं पड़ेगा उनके काम के बदले। सो फिलहाल के लिए इसमें कई हद तक एक नए मॉन्स्टर या फिर एक नए जॉइंट का जिक्र नहीं किया गया है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट 1006 ही हमें चैप्टर 3 में एज अ मेन विलन या फिर एज अ मेन पार्ट देखने को मिलने वाला है, यानी कि क्या पता कि चैप्टर 3 एक्सपेरिमेंट 1006 को ही सेंटर पॉइंट मान के चलेगा, क्योंकि हमें गैस मास्क दिखाया गया है जिसका मतलब होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट या फिर कोई साइंटिस्ट इसका यूज़ करता है सिर्फ और सिर्फ कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते वक्त। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा इस वीडियो पर, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। आपको क्या लगता है जस्ट कमेंट डाउन बिलो, ताकि मैं जान सकूँ कि आपकी क्या थ्योरीज हैं फीचर्स को लेकर, इस टेप को लेकर। जाने से पहले वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि इस वीडियो पे एम होने वाला है 1000 लाइक्स का, और आई होप कि आप ये लाइक्स पूरा कंप्लीट करवा दोगे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में ही, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं जल्द ही इसी पर एक थ्योरी और लेके आऊँगा जो कि नज़रिया है वो बदल देगा पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 के लिए। ऑल राइट देन, जाने से पहले हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहाँ पे पूछे, मैं आपको बताऊँगा। टिल देन मैं वीके मिलता हूँ अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखें, मज़े करें, खुश रहें और देखते रहें। धन्यवाद।